सो हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अभी पीडिया माई नेम इज रिशर्व योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एंड आई होप दैट इल आर डूंगाइन सो इन टुडे सेशन वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट एरर्स जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके फाइनल सी जी एल के एग्जामिनेशन में एंड सी एच सी जी एल सी एच एस एल और कोई भी एस एस सी के एग्जाम यू विल गेट दीज काइंड ऑफ एरर्स इनियर एग्जाम ओके सो लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर एंड लेट्स इम्प्रूव टुगेदर ओके चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट लेटर स्टार्ट विद विदाउट टूडेज सेशन बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट आवर सब्सक्रिप्शन जिसमें कि यू विल गेट एक फुल फ्लेजेड कोर्स जिसमें कि यू विल गेट टू कवर ऑल द एग्जाम्स जो कि आपके सी जी एल के कैटेगरी में आएंगे ठीक है और यू कैन सी द प्राइस एज वेल द फोर ट्रिपल नाइन ठीक है हु इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर इट एंड चेक आवर कोर्सिस ऑल्सो राइट तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का सेशन और हाँ एक और बात दैट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आर व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें कि यू विल गेट अ चांस टू डिस्कस योर डाउट्स एंड आपको कोई भी डाउट रहता है यू कैन आस्क फ्रॉम अवर पी डी एस फैकल्टी मेम्बर्स राइट सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप ओके तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सेशन का बोलता है आई डोंट अंडरस्टैंड वाई I don't understand why I can't come to the movies with you, right? Cried Tina's younger brother, whom had a strict eight. इसको आप PM bolo, right? Eight PM bed time, right? Whom had a strict eight PM bed time. तो अब इसमें आपको ना error find करना है और मुझे बताना है कि कहाँ पे error होगा और उसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा राइट आपको मुझे रेक्टिफिकेशन बताना है साथ में ओके okay? बात समझ आ रही है तो क्या करोगे आप स्टेप बाय स्टेप आप इसको पढ़ना स्टार्ट करिएगा एंड देन जहां पे आपको लगता है ठीक है जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट को पढ़ा आई डोंट अंडरस्टैंड वाई आई कांट कम कि मैं क्यों नहीं आ सकता दिस इज एप्सोल्यूटली करेक्ट इसमें कोई एरर नहीं है सेकेंड पार्ट देखिए वाई आई कांट कम टू द मूवीज विद यू इसमें भी कोई एरर नहीं ऐसा लग रहा थर्ड पार्ट देखिए क्राइड टीनाज यंगर ब्रदर टीना का यंगर ब्रदर रोने लगा एंड उसने हुम जिसका स्ट्रिक्ट टाइम था बेड पर जाने का मतलब सोने का स्ट्रिक्ट टाइम था तो अब यहां पे देखो हमें हु यहां पे हमें प्रोनाउन रेलेटिव प्रोनाउन का यूज करना राइट right? तो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हमें हु का यूज करना पड़ेगा ना कि हुम का ठीक है तो यहां पे आएगा आपका हु नोट हुम सो पार्ट थ्री में हमारा एरर है एंड हुम की जगह पे आप यूज करोगे यहां पे यहां पे यूज करोगे आप who का बात समझ आई ठीक है सो योर आंसर वुड बी पार्ट थ्री ठीक है एंड यू विल रिप्लेस हूम विद हु ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर टू द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी वॉन्ट टू फैसिलिटीज वॉन्ट द फैसिलिटीज ऑफ कार एंड अकोमोडेशन फॉर इट ठीक है बोलता है द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी वॉन्ट द फैसिलिटीज ऑफ कार एंड अकोमोडेशन फॉर इट अब देखिए इसको हमने पढ़ा है कि जो भी आपके ग्रुप में जो भी आपके फॉर uh, एग्जाम्पल uh, जैसे कि यहां पे कमेटी की बात कर रहा है ठीक है तो इसको हम बोलते हैं कमेटी एक मिनट ठीक है अब कमेटी जो है आपका ये है आपका कलेक्टिव नाउन राइट दिस इज योर कलेक्टिव नाउन अब कलेक्टिव नाउन में ना रूल होता है कि जब भी आपका कलेक्टिव नाउन जो है एक कलेक्शन की बात कर रहा है एक यूनैनिमस ठीक है एक यूनैनिमस, मतलब एक यूनैनिमस का मतलब समझे आप सिंगल डिसीजन की बात कर रहा है यूनैनिमिटी दिखा रहा है देन आप वहां पे उसको एज अ कलेक्टिव नाउन यूज करोगे उसको एज अ सिंगुलर ट्रीट करोगे बट जब भी आपको वहां पर डिवीजन दिखेगा तो वहां पर आप एज एन इंडिविजुअल उसको ट्रीट करोगे और प्लूरल की सेंस में उसको काउंट करोगे बात समझ आ रही है मेरी बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन एक एग्जाम्पल से समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं ठीक है मैं बोलता हूं द जूरी एग्रीड टू डिसीजन जो ज्यूरी है वो एग्री कर गई डिसीजन पे राइट द जूरी अब यहां पे मैं ज्यूरी वोज बोल सकता हूं ज्यूरी वोज एग्रीड द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन तो यहां पे हम यूज करेंगे फिर देखो अब यहां पे डिवीजन का सेंस आ रहा है इसलिए मैं यहां पे लिखा वर ज्यूरी वीवाइडेड इन देअ डिसीजन तो हर एक पर्टिकुलर मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ राइट right? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिसीजन और हर एक इंडिविजुअल ऑफ है ना फाइव में तो हर एक मेंबर जो है वो अपने अपने डिसीजन में डिवाइडेड है तो मैंने इसलिए यहाँ पे वर्ड का यूज करा है क्योंकि यहाँ पे मुझे यूनिमिटी का साउंड नहीं आ रहा दैट्स वाई आई यूज दिस पर्टिकुलर कलेक्टिव नाउन एज एन इंडिविजुअल ठीक है और यहां पे इसको डिवीजन दिख रहा है तो यहां पे कलेक्शन कहां से रही कलेक्शन कब होती है जब वहां पे डिवीजन होगी एक और एग्जांपल देखिए मैंने बोला कि टीम इंडिया इज प्लेइंग वेल राइट फिर मैंने लिखिया लिखा टीम इंडिया आर डूइंग प्रैक्टिस ठीक है इन नेट्स ठीक है अब यहां पे समझिए अब मैंने यहां पे लिखा टीम इंडिया इज परफॉर्मिंग वेल या प्लेइंग वेल तो यहां पे कलेक्टिव क्योंकि टीम वर्क दिख रहा है यहाँ पे ठीक है पूरी की पूरी टीम अच्छा कर रही है अच्छा खेल रही है बट यहां पे मैं बात कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस टीम इंडिया अब जब प्रैक्टिस की बात करेंगे ठीक है प्रैक्टिस की बात करेंगे तो हर एक इंडिविजुअल ठीक है टीम इंडिया आर हैविंग देयर लंच ठीक है तो वहां पे हर बंदा अपना अपना इंडिविजुअल लंच करेगा या ब्रेकफास्ट करेगा या कुछ भी करेगा या प्रैक्टिस भी करेगा हर एक इंडिविजुअल अपनी अपनी प्रैक्टिस करेगा तो वहां पे डिवीजन है कोई हो सकता है वहां पे रनिंग कर रहा हो कोई नेट्स में प्रैक्टिस कर रहा हो है ना कोई फील्डिंग की प्रैक्टिस कर रहा हो तो वहां पे डिवीजन दिख रहा है अब हमें ठीक है तो जब भी डिवीजन दिखेगा उसको हम प्लूरल लेंगे जब हमें वहां पर ग्रुप की बात करेंगे ग्रुप की सेंस आएगी वहां पर हम सिंगुलर उसको एज एन एज ए कलेक्टिव नाउन उसको ट्रीट करेंगे अब देखो यहाँ पे मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी वॉन्ट द फैसिलिटीज अब वो खुद के लिए फैसिलिटीज चाहते हैं डजेंट मैटर कितने मेंबर हैं चार मेंबर हो सकते हैं पांच मेंबर हो सकते हैं

क्या हमारा का, पूरा का पूरा कलेक्टिव नाउन का क्या रूल है राइट right? चले फिर नेक्स्ट सो द आंसर वुड बी पार्ट थ्री एरर है ऑफ ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर मिनट ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए वो द ब्रिंगिंग बैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द वर्किंग बॉडीज आफ्टर डीमोनेटाइजेशन इज द बिगेस्ट कंसर्न फॉर द पीपल नाउ वेरी इजी राइट

And we feel like if it sounds like a bit or a bit odd then there must be an error okay so this is a particular case you need to identify you need to follow the, the rules not the sound okay bringing back of normal functioning of the working bodies after demonetization is the biggest yaad rakhye, jab bhi aap superlative degree ki baat karenge, you always follow uh, you always use the before superlative degrees ठीक है बट वेन एवर ठीक है एक तो ये हो गया अब यहां पे बिगेस्ट कंसर्न नहीं आएगा बिगेस्ट कंसर्न आएगा नॉट कंसर्न बिगेस्ट कंसर्न फॉर द पीपल नाउ बात क्लियर हुई नाउ पार्ट थ्री में हमारा एरर था एंड आई टोल्ड यू कि आप क्या करोगे कंसर्न की जगह पे वहां पे कंसर्न का यूज करोगे ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर देखिए हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन डेली इट इज रियली वेरी सरप्राइजिंग दैट यू डोंट नो इवन दिस फैक्ट ऑलवेज रीड दिस सेंटेंस कॉन्टिन्यूसली राइट डोंट इंटरप्ट एक बार पूरा पढ़िए उसको फिर देखिए कि कहां पे आपको लगता है कि एरर हो सकता है दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड दरर एक बार उसको रीड करिए उसके बाद फिर उसको पार्ट वाइज सॉल्व करिए पहले फर्स्ट पार्ट फिर सेकेंड फिर थर्ड फिर फोर्थ ठीक है अगर आपको लगता है कि इज नो इन द फर्स्ट पार्ट देन मेक श्योर कि आप उसको uh, वहां पे फिर एलिमिनेट करो उस ऑप्शन को सेकेंड पार्ट पे मूव करो थर्ड पार्ट पे मूव करो फोर्थ पार्ट पे मूव करो राइट एंड देन इवेंचुअली आपको अपना आंसर मिल जाएगा ठीक है सो द द हेड क्वार्टर ऑफ आर्मी इज इज इन इट रियली वेरी सरप्राइजिंग दैट यू डोंट नो अब आई डोंट फील कि इसमें कुछ एरर हो सकता है देखो आपको समझना पड़ेगा एरर कहां पे आ सकता है राइट right? एरर हो सकता है किसी आर्टिकल का किसी नाउन का प्रोनाउन का एरर हो सकता है ठीक है कोई कंजंक्शन का एरर हो सकता है ठीक है कोई एडजेक्टिव का एरर हो सकता है एडवर्व का एरर हो सकता है किसी वर्व का एरर हो सकता है ठीक है मोस्टली ये हमारे यहां प्रेपोजिशन का एरर हो सकता है कोई ठीक है तो ये कुछ गिने चुने एरर है बात समझ आई तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि हाँ यहां पे क्या लगता है आपको जैसे ही मैं देखूं सरप्राइजिंग दैट यू डोंट नो आई डोंट फील कि यहां पे कोई हमारा एरर है दिस पार्ट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट इवन दिस फैक्ट दिस इज ऑल्सो करेक्ट अब या तो फर्स्ट पार्ट में एरर होगा या फोर्थ पार्ट में एरर होगा ठीक है तो दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच क्योंकि यहां पे कुछ चेंज करने के लिए डेटा ही नहीं है ना ज्यादा सरप्राइजिंग ठीक है हेड क्वार्टर ऑफ दी आर्मी इज इन डेली इट इज रियली वेरी सरप्राइजिंग कुछ को लग सकता है यहां पे सरप्राइज होगा क्योंकि सरप्राइज नहीं होगा क्योंकि इज लगा है ठीक है बात समझ आ रही है आर्मी अब यहां पे देखो आर्टिकल का एरर है ये द जो है दिस इज अ डेफिनेट आर्टिकल दिस इज अ डेफिनेट आर्टिकल एंड ए और एन जो आपका है ये है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल ठीक है अब देखो अगर मैं डेफिनेट आर्टिकल का यूज करूंगा सो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं वहां पे डेफिनेट चीज की बात कर रहा हूं ठीक है ओनली देन आई कैन यूज अ डेफिनेट आर्टिकल अदरवाइज मुझे वहां पे इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा राइट right? तो अब आप खुद सोचो कि मैं आर्मी की बात कर रहा हूं एंड uh, ऐसा तो है नहीं कि मैं मतलब कुछ मेंशन कर रहा हूं ठीक है किसी पर्टिकुलर आर्मी की बात कर रहा हूं पढ़ के तो आपको लगेगा कि इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं ठीक है तो अब यहां पे देखा जाए तो हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी ठीक है ऑफ एन आर्मी आएगा यहां पे ऑफ एन आर्मी ठीक है अब ये डिपेंड भी करता है वैसे ठीक है अब लेट्स सपोज की ऑप्शन uh, कैसे मिलते हैं वो भी डिपेंड करता है क्योंकि आप द और एन जब आर्मी के साथ यूज करोगे तो आप कॉन्टेक्स्ट को समझोगे ठीक है द हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी इज इन डेली या फिर हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी नहीं आएगा द हेडक्वार्टर ऑफ एन आर्मी इज इन डेली इट इज रियली वेरी सरप्राइजिंग दैट यू डोंट नो इवन दिस फैक्ट सो द एरर वुड बीन पार्ट वन ओके बात समझ आई नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए माई ग्रैनी सेज दैट इट इज रियली माई ग्रैनी सेट इट इज राइट टू गेट मैरिड यंग दई डू नॉट एब्सोल्यूट एग्री विद हर अबिट ऑन दिस ठीक है थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करा है सो दैट यू कैन अडेप्ट नाउ आपको बताना है कि इनमें से कौन से पार्ट में एरर है इन विच पार्ट यू फील लाइक देयर इज एन एरर टेल मी

हाँ यहाँ पे कोई अब एरर हो सकता था यहाँ पे माई ग्रैनी से दैट बट बड़ा सिंपल से एरर हो जाता राइट तो यहाँ पे एरर नहीं है सेकेंड पार्ट में कोई एरर नहीं है तो आई कैन एलिमिनेट टू ऑप्शन ऑप्शन थ्री इज एलिमिनेटेड एंड ऑप्शन वन माई ग्रैनी दैट इट इज ऑल्सो एलिमिनेटेड ना यू हैव टू ऑप्शन एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट आंसर फ्रॉम दीज टू ऑप्शन राइट टू गेट मैरिड यंग या फिवर दो आई डो नॉट एप्सोल्यूट एग्री विद हर अबिट सपोज आपको पता नहीं है कि इसमें क्या एरर है जो कि होना नहीं चाहिए बट अगर कुछ ऐसा कोई केस आ जाता है सपोज कि आपको कोई सेंटेंस ऐसा मिल जाता है डिफिकल्ट वन एंड यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे आपको वहां पे लगता है कि एरर होगा ट्राई टू एलिमिनेट दी ऑप्शन ओके ऑप्शन को एलिमिनेट करिए पार्ट वन पार्ट वाइज पार्ट उसको पढ़िए ठीक है और ऑप्शंस को एलिमिनेट करते करते ट्राई करिए एटलीस्ट दो ऑप्शन तक पहुँचने का ठीक है मतलब दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का ट्राई करिए देन उसके बाद में जो बचे दो ऑप्शंस हैं उसके बीच में देखिए विच वन कैन बी राइट टू गेट मैरिड यंग आई डोंट थिंक इसमें कोई एरर है ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा एरर होगा इस पार्ट में दो आई डू नॉट एब्सोल्यूट एक तो यहां पर एब्सोल्यूट की बात कर रहा है और यहां पर अबिट की बात कर रहा है तो जो कि दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि एब्सोल्यूट और कॉन्ट्राडिक्ट अपने आप में दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं राइट right? मतलब एप्सोल्यूट के साथ में अबिट ठीक है एप्सोल्यूट के साथ में अबिट जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं दोनों दोनों एप्सोल्यूट एंड अबिट तो सुनिए दो आई डो नोट इसको हटाना पड़ेगा आपको ठीक है आई डो नॉट एग्री विद हर अबिट ऑन दिस ठीक है या फिर ये हो सकता है आई डो नॉट एप्सोल्यूटली अग्री विद हर तो आपको ये आपको यह अबिट हटाना पड़ेगा ऑन दिस या तो आप एग्री नहीं करोगे या फिर यू विल नॉट एग्री अबिट बात समझ आई इट्स वेरी लाइक नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ठीक है कि absolute और अबिट दोनों कॉन्ट्रोडिक्शन में है तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते राइट चले फिर पार्ट टू में हमारा एरर है और द एरर इज मैंने आपको बता दिया यहां पे दो चीजें आप प्रैक्टिफाई कर सकते हो ठीक है सो आंसर इज पार्ट और आंसर इज ऑप्शन नंबर टू नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए बोलता है एस राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मैनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर दैट रिक्वायर्स मैनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर सो विच वन यू फील लाइक इसका राइट आंसर हो सकता है बताइए ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स अब देखिए एस राइटिंग क्या है एक सिंगुलर चीज है इसलिए हमने रिक्वायर्स रिक्वायर्स का यूज करा है एज एज अ वर्ब हमने सिंगुलर वर्ब का यूज करा है ठीक है और याद रखिएगा जब भी हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं हम उसमें एस या फिर ई एस को एड करते हैं बात समझ आई हम उसमें एस या फिर ई एस को ऐड करेंगे ठीक है ना तो एस राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मैनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर इसमें कोई भी एरर नहीं है या फिर इसमें एरर है इसमें एरर है वर्फ तक तो ठीक है बट मैनी मैनी हम कब यूज करेंगे नंबर की सेंस में मैनी हम नंबर की सेंस में यूज करेंगे और मच कब यूज करेंगे मच क्वांटिटी की सेंस में यूज करेंगे राइट मैनी नंबर की सेंस में मच क्वांटिटी की सेंस में दैट रिक्वायर्स मच प्लानिंग क्योंकि नंबर की सेंस थोड़ी है, हम एफर्ट्स को गिन के थोड़ी लगाते हैं हम तो एफर्ट्स को उसकी क्वांटिटी हो इंटेंसिटी हो सकती है right? राइट कि हाँ भाई इतने एफर्ट्स करने हैं दिस इज द काइंड ऑफ क्वांटिटी बोल सकते हो नोट नंबर नंबर की सेंस में हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है right? राइट जैसे फॉर एग्जाम्पल मिल्क तो मिल्क क्या है Number, इस पर आप नंबर में काउंट करोगे या कि इसको क्वांटिटी में मेजर करोगे ठीक है Obviously बात है यू विल मेजर इट इन मिल्क लाइक यू विल मेजर इट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी ओके तो वहां पे आप मच ठीक है? Okay? है ना मैनी पीपल ठीक है तो दिस इज द डिफरेंस जो कि मच और मैनी में है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कहां पे नंबर और कहां पे क्वांटिटी का सेंस जाएगा इज दैट क्लियर तो यहां पे हमारा इस पार्ट में एरर है एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज एरर दिस इज एरर और ये उसका रिप्लेसमेंट रहेगा ठीक है ना सो पार्ट टू में हमारा एरर है ओके जस्ट मोमेंट कहां पर पहुंच गए हम लोग अच्छा ठीक है सो पार्ट टू में हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए बोला इट इज बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर ठीक है बताइए इट इज बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर वट डू यू फील कि क्या इसका एरर हो सकता है बताइए अब देखिए इट इज द बेस्ट ठीक है इट इज द बेस्ट नॉट इट इज बेस्ट बिकॉज आई टोल्ड यू जब भी आप सुपरलेटिव डिग्रीज का यूज करोगे आप हमेशा इट इज के मतलब कुछ भी है उसके साथ में द का यूज करोगे ही करोगे सुपरलेटिव डिग्री जहां पर भी दिख जाए आंखें बंद करके देखो उसके साथ में द है या नहीं ठीक है और एक हमारा देन होता है एक हमारा देन होता है इस देन का मतलब होता है तब और इस देन का मतलब होता है कंपेयर कंपैरिजन इज दैट क्लियर बात समझ आई सो इट इज द बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर ओके सो पार्ट ए में हमारा एरर होगा एंड आई टोल्ड यू दैट एरर इज मिसिंग ऑफ एन आर्टिकल ओके क्वेश्चन नंबर एट देखिए इट इज नथिंग एल्स देन शेयर फुलिशनेस दैट यू हैव डिसाइडेड टू रिजाइन शेयर मतलब इसका मतलब होता है डिटरमाइंड एक माइंड एकदम स्टबन वाली है ना, या फिर ओके, पे okay, मुझे लगेगा कि कुछ के रिलेटेड है, आई विल डेफिनेटली डू दैट, आपको मैं प्रोवाइड ओके? Okay? आपका फर्ज बनता है इसको अच्छे से देखिए रिवाइज करिए और हो सके तो नोट्स बनाइए जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है okay? so इट इज नथिंग एल्स यू हैव टू आइडेंटिफाई इट इज नथिंग एल्स अब देखो यहां पर कॉन्ट्रेडिक्शन हो रही है ठीक है ना अब यहां पर कॉन्ट्रेडिक्शन है और कॉन्ट्राडिक्शन क्या है नथिंग एल्स है इसके साथ आपका आएगा बट Nothing एल्स बट ठीक है इट इज नथिंग एल्स बट शेयर फुलिशनेस तो इसकी जगह पे आएगा आपका बट और कौन से पार्ट में एरर होगा पार्ट वन में ठीक है ना अब कुछ ना कंजेक्शन आपको बताता हूं कि किसके साथ में क्या आएगा लिखो उनको सबसे पहले लिखो नो सूनर के साथ में ये आपका हमेशा पेयर में रहेगा नो सूनर के साथ में आएगा देन ठीक है हार्डली हो गया या फिर आपका स्कासली लिख लो स्कासली हो गया या हार्डली हो गया इसके साथ आता है होन ठीक है फिर आपका बोथ के साथ में आएगा आपका एंड ठीक है और बिटवीन इसको बिटवीन भी लिख कर लो साथ में बिटवीन और बोथ दोनों के साथ में एंड आएगा ओके okay? दोनों के साथ एंड आएगा एंड स्कार्सली uh, और हार्डली के साथ में वेन आएगा सूनर no के साथ में देन आएगा और क्या देख सकते हो आप आ, ये कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे साथ में ओके एज वेल एज जबी भी आप एज वेल एज यूज करते हो ठीक है एज वेल एज तो वर्व जो है वो फर्स्ट पर्सन को फॉलो करेगी व विल फॉलो फर्स्ट पर्सन चाहे एज वेल एज हो या फिर अलोंग विद हो ठीक है ना इस केस में भी हमारी वह फर्स्ट केस को फर्स्ट उसको फॉलो करेगी ठीक है सो so के साथ में आपका आता है एज सच के साथ में पेयर में चलता है दैट ये कुछ पेयर हैं आपको याद करने हैं एज इट इज सच के साथ में दैट चलेगा सो so के साथ एज चलेगा लॉन्ग के साथ विद लॉन्ग विद के साथ या एज वेल एज के साथ में वर्ब विल फॉलो फर्स्ट किसका फर्स्ट आपका पर्सन को नो no सुनर के साथ में देन आएगा स्कासली और हार्डली के साथ में वेन आएगा बिटवीन या बोथ के साथ में एंड आएगा इज दैट क्लियर और क्वेश्चन नंबर एट का जो आंसर था यहां पे आएगा आपका हा एल्स के साथ में आपका बट आता है एल्स के साथ में आपका बट आएगा ठीक है एल्स बट ओके सो ऑप्शन ए में हमारा एरर था एंड आई टोल्ड यू देन की जगह पे वहां पे आएगा आपका बट ओके क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए अब नाइन्थ क्वेश्चन देखिए दीज कंपनी टू फर्निश देयर फाइनेंशियल डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स बोर्ड मेंबर्स दीज कंपनीज हैव बीन आस्ड टू फर्निश Their financial details and information about एक हमने पीछे कमेटी वाला करा था ना कि उसको अकोमोडेशन चाहिए कुछ वैसा ही एरर है आपका यहाँ पे ठीक है ना बहुत इजी है अब तो समझा भी दिया आपको आई होप यू आर एबल टू आइडेंटिफाई एरर एंड यू आर एबल टू रेक्टिफाई इट ओके सो दीज कंपनीज कंपनीज की बात कर रहा है दीज कंपनीज के साथ में लगा है ओबीएस बात है प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब सिंपल है

ट अ सक्सेस टेलमी इसमें कौन सा एरर होगा बताइए साइड में हो जाता हूं दीज या फिर द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स वर्क हार्डली टू मेक द इवेंट अ सक्सेस क्या होगा इसमें अब देखो यहां पर एक वर्ड होता है हार्ड एक वर्ड होता है हार्डली हार्ड मतलब होता है काफी ज्यादा स्ट्रोंगली और इसका मतलब होता है barely मतलब बड़ी मुश्किल से हार्डली ठीक है हार्डली का मतलब बड़ा मुश्किल से barely है ना तो यहां देखो द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स वर्कड हार्डली नहीं आएगा हार्ड आएगा वर्कड हार्ड राइट टू मेक द इवेंट अक्सेस तो हार्डली नहीं मतलब बेयरली नहीं worked करा दे वर्क सो हार्ड दर्क स्ट्रॉन्गली टू मेक द इवेंट अस पार्ट कौन से वाले में एरर है वर्क हार्डली अब होगा क्या ये क्वेश्चन मैंने जान बूझ कर रखा है कुछ आपको बताने के लिए कि वो बच्चे क्या करते हैं देखेंगे पार्ट थ्री में एर है फटाफट से थ्री पार्ट कर देंगे और वहां पर आंसर उनका हो जाएगा गलत आपको देखना है कि ये वाले पार्ट में एरर है और ये वाला पार्ट कौन से ऑप्शन में है तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है एग्जामिनर क्या करता है आपको ऐसी चीजें करेगा एग्जाम में सो दैट ठीक है कुछ जो थोड़े से बच्चे अनकॉन्शियस हो गए या फिर प्रेशर में होंगे वो पक्का इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे जहां पे ठीक कर सकते थे इवन आंसर सही मिलने के बाद भी आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हो सो मेक श्योर ऑफ इट कि ऐसी मिस्टेक्स आप ना करो तो अच्छा है राइट द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स वर्क हार्ड टू मेक द इवेंट सक्सेस A success. So, worked hardly. First option में है दैट इज वाई ये हमारा आंसर हो जाएगा मैंने ठीक है ना सो दिस ऑल अबाउट टूडे सेशन ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टिल देन ध्यान रखिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एंड अगर आपको लगता है कि, कि किसी भी टॉपिक में किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में है ना सब्जेक्ट में इफ यू फील थोड़ी वीकनेस है थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है यूनिट टू प्रैक्टिस सम एम सी क्यूज या यूनिट टू वीडियो सी वीडियो लेक्चर राइट तो यू कैन गो फॉर द माइक्रो कोर्सेज जिसमें कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पे आपको लेक्चर्स पी डी एफ्स एंड यू विल गेट एम सी क्यूज एज वेल ओके यू कैन गो फॉर इट एंड यू कैन चेक इट आउट ओके तैयारी करते रहिए पढ़ते रहिए अगले सेशन तक ध्यान रखिए और इसको जो पढ़ा रखा है अच्छे से रिवाइज करिए राइट तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टिल देन टेक केयर जय हिंद जय भारत